सो ही सेइंग साइकोलॉजिकल टेस्ट जो होते हैं जब हम टेस्टिंग करते हैं, तो हाँ हाँ ये, और ये टेस्टिंग की वहाँ की बात नहीं कर रहे, ये वहाँ की बात कर रहे हैं जब जो हमारे साइकोलॉजिकल टूल्स जब हम बनाते हैं, ये बातचीत का जो कॉन्टेक्स्ट है ना, ये सवाल का कॉन्टेक्स्ट वो है साइकोलॉजिकल टेस्ट बनाने का। तो इसमें मैं ये कहना चाहूँगी, जैसे इन्होंने कहा ना एग्जाम्पल दीजिए, तो पहली चीज़ तो जब हम बच्चों को अपने को बोलते हैं पढ़ने के लिए, याद करने के लिए, तो हाँ अल्फाबेटिकली आर पहले आता है, वी बाद में आता है। रिलायबिलिटी कम्स ऑलवेज बिफोर वैलिडिटी, जब भी हम टेस्ट को इस्टेब्लिश करते हैं, हाँ बनाते हैं, ये टेस्ट के बनाने का एरिया का क्वेश्चन है। जी तो रिलायबल होने का मतलब होता है किसी चीज़ का कंसिस्टेंट होना, हर बारी में सेम रिजल्ट देना। और वैलिडिटी का मतलब होता है उसकी वैधता, मतलब वो क्या सच दे रहा है रिजल्ट। तो मैं जैसे मान लीजिए आपका कोई ब्लड टेस्टिंग, शुगर टेस्टिंग की मशीन है, वो 212 नंबर शो कर रही है, वहाँ अटक गई है, वो रिलायबल शो होगी क्योंकि हर बारी वो सेम रिजल्ट दे रही है, वो रिलायबल है। लेकिन क्या वो वैलिड है, क्या वो सही है, रिजल्ट आपको दे पा रही है नहीं दे पा रही, नहीं, ऑब्वियसली आपका गलत शुगर लेवल दे रही है वो। तो हाँ ये कहने का मतलब ये हुआ कि वो टेस्ट रिलायबल हुआ लेकिन वो वैलिड नहीं हुआ, दैट मीन्स क्या आप उसके ऊपर फाइनली उसको यूज़ कर सकते, नहीं यूज़ कर सकते। तो जी एक किसी भी साइकोलॉजिकल टेस्ट को यूज़ करने के लिए वो रिलायबल भी होना चाहिए और वैलिड भी होना चाहिए। बट हाँ, अगर कोई टेस्ट रिलायबल नहीं साबित हुआ तो आप वैलिडिटी की सिचुएशन पर जाते ही नहीं हो, वहाँ तक आप प्रोसेस में नहीं जाओगे जब हम टेस्ट बना रहे हैं। जी और अगर कोई चीज़ वैलिड है तो वो रिलायबल तो वही हुई क्योंकि आप तभी उस स्टेप पे पहुंचे, जैसे एक सीढ़ी चढ़ते हैं तो आप पहले नीचे वाली। तो एक और एग्जांपल मैं दूंगी, जैसे आपकी घड़ी कोई रुक गई है, वो 12 बजा रही है, तो वो दिन में 24 घंटे में 2 बार सही टाइम दे रही है, तो 2 बार वो वैलिड भी है रिलायबल भी है, लेकिन वो बिल्कुल हर घंटे वो सेम टाइम दे रही है, इसलिए वो रिलायबल है। तो इस तरीके से रिलायबिलिटी और वैलिडिटी को समझा जा सकता ओ है। बहुत